गाइस वेलकम बैक माय चैनल बी पॉजिटिव विद प्रिया। फ्रेंड मैं आज अपने हेयर पे हेना अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ क्योंकि मेरा जो हेयर है फ्रेंड बहुत ख़राब हो गया, पतला हो गया और अपन उसमें आ गया, इसलिए मैं हेना कर रही हूँ। तो इसका इन्ग्रीडियंट जो है तो पहले शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए हमको चाय का पानी, दही चाहिए, नेस्ले का मैंने कॉफ़ी ले लिया, ये हार्बी का आयुर्वेदिक हेना है, मैंने ये सब लोकल स्टोर से ही लिया है, ये अंडा है, ये ऑप्शनेबल है, ठीक है आप ले भी सकते हो या इसके अल्टरनेट आप बनाना केला भी ले सकते हो, ठीक है। ये हनी और ये लेमन का जूस हमको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चाय का पानी, नॉर्मल पानी में हम चाय पत्ती डाल के उबाल लेंगे, उबाल के छान लेंगे, एक कप पानी को अच्छे से उबाल के आधा कप जैसे बना लेंगे, फिर उसमें हम हेना को डाल के अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद अगर ये रात को ये प्रोसेस करें तो ओवरनाइट रख देंगे घोलने के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अप्लाई करने से कम एक दो घंटे पहले भी कर सकते हो। तो जब भी करें कीजिएगा फ्रेंड, एक पैकेट जैसे प्लास्टिक का जो पैकेट रहता है, ये पैकेट पन्नी जो होता है वो ढक के रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे उसमें हवा या कुछ गिरे भी ना और हवा ना लगे। फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो हमको एक बाउल में जो दही है वो दही ले लेना है। मैंने बड़ा चम्मच का दो चम्मच जैसा लगभग दही ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मिलाने के बाद हम लेमन कट करके पूरा लेमन का जूस हम ले लेंगे उसके अंदर। लेमन के जूस लेने के बाद मिक्स करके जो हेना है अगले दिन जब हम यूज़ करेंगे ये डाल लेंगे, दही या लेमन हमने जूस मिलाया था। फिर हम जो कॉफ़ी, मैंने दो पैकेट था, मैंने यहाँ पे एक पैकेट यूज़ किया। आप 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर रही हूँ, गाइस देख सकते हो आप, हनी हमारा हेयर को बहुत सॉफ्ट करता है। ये एग है तो अंडा का जो येलो वाला है वो नहीं लेंगे, सिर्फ हमको वो जो वाइट कलर का रहता है अंडे का वो ही लेना है, नहीं तो हेयर से बहुत बदबू आता है, महकता है, इसलिए सिर्फ वाइट वाला ही लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके इसका स्ट्रक्चर एकदम पतला नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा थिक भी नहीं हो जाना। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लगभग मान लीजिए पतला ही हो गया, इससे थोड़ा सा थिक रहेगा तो और अच्छा, ठीक है। तो सो फ्रेंड अभी मैं अपने हेयर पे ये अप्लाई करूँगी, करने के बाद पहले मैं अपना जो दुपट्टा से अपना कवर कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे कपड़े पर गिर जाएगा। अब कंघी से मैं अपने हेयर को, जो मेरा हेयर है, अच्छे से कंघी कर लूँगी, नीचे लेंथ तक हेयर के पूरा कंघी करने के बाद देखिए फ्रेंड मेरा जो हेयर है एकदम कितना रूखा सूखा ड्राई हो गया, मेरा हेयर एकदम ख़राब हो गया। बहुत दिन से कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया था, अपना हेयर केयर कुछ भी नहीं किया था, मेरा हेयर जो है बहुत ख़राब हो गया, पतला भी हो गया। सो मैं डिवाइड करके अपने हेयर पे थोड़ा थोड़ा करके हेना अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद देखिए सो फिर मैंने ऐसे पूरा हेयर पे अप्लाई कर लिया, प्लाचा के मदद से अपने मैंने टाई कर लिया। आप हो सके तो शावर कैप जो रहता है वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही अगर आपको मन हो तो ऐसे भी रख सकते हो। सो मैंने एक घंटे बाद अपने हेयर को अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो लिया फ्रेंड। मैंने आज शैम्पू नहीं किया क्योंकि मैं हेना जिस दिन करती हूँ उस दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, अगले दिन मैं शैम्पू करूँगी। तो रात भर मैं अच्छे से ऑयल चम्पी करूँगी, ऑयल का मसाज लूँगी, फिर अगले दिन सुबह को मैं शैम्पू करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरा हेयर कलर कुछ समझ में कलर भी उतना हुआ नहीं है और सॉफ्ट, थोड़ा बहुत सॉफ्ट लग रहा है, आप देख सकते हो पहले से थोड़ा सिल्की भी हो गया, बहुत पहले से इतना रूखापन जो था उससे थोड़ा बहुत ठीक है। सो मैं कल
आज रात को ऑयलिंग करूँगी, करने के बाद कल शैम्पू करके फिर मैं रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। सो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाती हूँ। चलिए बाय फ्रेंड।